दोस्तों हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। इसमें साइंस के यानी बायो के क्वेश्चन हैं। लैब असिस्टेंट 2018 में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो शुरुआत करते हैं हम। चाय का लाल किट रोग किसके द्वारा होता है? तो यह लाल किट रोग चाय का है, यह हरी शैवाल सिफेलुरोस के कारण होता है। हरी शैवाल जिसका नाम क्या है? एक हरी शैवाल है जिसका नाम है सिफेलुरोस। तो सिफेलुरोस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कि ज्वार के फल को कहते हैं, ज्वार के फल को क्या कहते हैं? तो ज्वार के फल को कहते हैं कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, कैरियोप्सिस। अगला क्वेश्चन है कि शब्द बायोसिनोसिस किसने प्रतिपादित किया? बायोसिनोसिस शब्द का प्रतिपादन किया था कार्ल मोबियस ने। बायोसिनोसिस शब्द का प्रतिपादन कार्ल मोबियस ने किया था। कार्ल मोबियस ने। अगला क्वेश्चन कि जिब्रेलिन को पृथक किया गया, तो जिब्रेलिन क्या है? एक हार्मोन है, और इस हार्मोन का पृथक्करण किससे किया गया? जिब्रेला फ्यूजिकुराई नामक कवक से इसका पृथक्करण किया गया। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, जिब्रेला फ्यूजिकुराई। उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मापा जाता है। तो पेड़ के तने का व्यास नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डेंड्रोग्राम। डेंड्रोग्राम ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रक्रिया जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है? एवाइवीय श्वसन में अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अल्कोहल का निर्माण कौन सी प्रक्रिया में होता है। तो एवाइवीय श्वसन में अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कनाडा बालसम एक माउंटिंग एजेंट को स्थाई स्लाइड के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह एक जाति से प्राप्त होता है, यानी कि स्थाई स्लाइड बनाने के लिए कनाडा बालसम का उपयोग किया जाता है। और यह कौन सी जाति से प्राप्त किया जाता है? तो यह एवीज नामक
जाति से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू स्तरी होते हैं, तो भू स्तरी होते हैं हम देखते हैं तने के रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो रूपांतरित तने तीन प्रकार के होते हैं, वायव्य तना, अर्धवायव्य तना और भूमिगत तना। तो अर्धवायव्य तने में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टोलन, स्टोलन को बोलते हैं भूस्तारित तना, स्टोलन को बोलते हैं भूस्तारित तना। तो ये स्टोलन तना पाया जाता है भूस्तारित तना और स्ट्रावेरी में पाया जाता है। तो अर्धवायवीय तने को बोलते हैं सब एरियल। अर्धवायवीय तने का मतलब होता है कि आधा तना जमीन के अंदर होता है और आधा बाहर होता है। तो ये चार प्रकार के होते हैं, स्टोलन, स्टोलन ऑफसेट, सोकर और रनर। स्टोलन स्ट्रावेरियम पाया जाता है, ऑफसेट पिस्टियम पाया जाता है, सोकर फोदीना में पाया जाता है और रनर दूब घास में पाया जाता है। और भूमिगत यानी अंडरग्राउंड तना, तो अंडरग्राउंड तने के भी हम देख सकते हैं कि इसमें तीन प्रकार दे रखे हैं, चार है ये भी, प्रकंद, सलकंद, कंद और घनकंद। तो यहाँ देखते हैं प्रकंद पाया जाता है अदरक में जिसको बोलते हैं राइजोम, राइजोम अदरक में पाया जाता है। राइजोम अदरक में पाया जाता है, सलकंद प्याज में, कंद पाया जाता है ट्यूबर आलू में और घनकंद पाया जाता है अरवी में, क्रॉम कॉर्म जिसको बोलते हैं घनकंद। जो वायव्य तने हैं ये भी देखते हैं कि जो वायव्य तने हैं इसके पांच रूपांतरण हैं और ये है नागफनी में फिल्लो फाइलोक्लेड, प्रणाव स्तंभ फाइलोक्लेड, ये पाया जाता है नागफनी में। टेंड्रिल यानी स्तंभी तंतु, स्तंभ तंतु में रूपांतरित हो जाता है, ये पाया जाता है अंगूर में। पत्र प्रकलिका यानी बुलविल, यह है जो स्तंभ है वो पत्ती में रूपांतरित हो जाता है डायस्कोरिया में। प्रणाव पर्व यानी क्लेडोडे, प्रणाव पर्व यानी जो स्तंभ है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो एस्पेरेगस में परिवर्तित हो जाता है प्रणाव पर्व में। फिर हम देखते हैं, ये है हमारा स्तंभ कंटक यानी जो स्तंभ है वो कांटों में रूपांतरित हो जाता है और ये रूपांतरित होता है गुलाब में, नागफनी में और करौंदा में जिसको थॉर्न करौंदा को कहते हैं। तो गुलाब के को बोलते हैं प्रिंकल, गुलाब में जो तना कांटे में रूपांतरित होता है इसको प्रिंकल बोलते हैं। नागफनी में तना रूपांतरित होता है कांटे में इसको बोलते हैं स्पाइन, और करौंदा में जो कांटा में परिवर्तित होता है तना उसको थॉर्न कहते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन था कि स्टोलोन इज है, तो स्टोलोन क्या है? तने का रूपांतरण है। और कौन से तने का रूपांतरण है? सब एरियल, यानी कि उपवायवीय सब एरियल, यानी उपवायवीय तने का रूपांतरण है। तो यह तो क्या है, स्टेम ही है। इन्हें को तो स्टोलोन क्या एक तना है लेकिन एक रूपांतरित तना है। तो स्टेम तो है लेकिन रूपांतरित तना है, इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड भी नहीं है, तो ये तो क्या तने का प्रकार है, अंडरग्राउंड मूल तो होगी नहीं। तो ये क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपवायवीय रूपांतरित तना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम, उपवायवीय रूपांतरित तना, ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं हम कि रोजी क्या है। रोजी एक ट्रांसजेनिक गाय का नाम है। रोजी एक ट्रांसजेनिक गाय का नाम है। ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। आगे देखते हैं कि लीची, लीची क्या है। तो लीची का खाने योग्य भाग क्या है? तो इसका एरिल भाग को खाया जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि गेहूं में 100 परागकण प्राप्त करने हेतु कितने न्यूनतम अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं कि जब एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि एक कोशिका है, एक कोशिका से कितने बनते हैं? चार। एक कोशिका से चार परागकण बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार परागकण बनते हैं एक कोशिका के विभाजन से। तो हम देख सकते हैं, तो 100 परागकण बनने के लिए क्या होंगे? तो हम क्या करेंगे, 4 का भाग 100 में दे देंगे, तो कितने आ जाएंगे? 25। तो 25 अर्धसूत्री विभाजन हो जाएंगे, 25 चौके 100। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्ण सतर्कता, यानी कि टोटिपोटेंसी यानी पूर्ण सशक्तता शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो पूर्ण सशक्तता का मतलब होता है कि वह कोशिका जो अपने में वृद्धि और जनन करके एक नए जीव को जन्म दे दे, एक नए जीव का शरीर बना दे, उसको बोलते पूर्ण सशक्तता, जिसमें जनन करने की क्षमता होती है। तो ये शब्द दिया था मॉर्गन ने दिया था। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। मॉर्गन ने पूर्ण सशक्तता का दिया था नाम। अगला है, साधारणतया मूसला मूल पाई जाती है। तो इन टैप टॉप रूट्स आर कॉमनली फाउंडेड। तो टॉप रूट किस में पाई जाती है? तो टॉप रूट पाई जाती है द्विबीजपत्री में पाई जाती है। देखो, आवृतबीजी, अनावृतबीजी और एकबीजपत्री। तो यहाँ हम देखते हैं कि टैप रूट्स पाई जाती हैं। तो टैप रूट्स का मतलब मूसला मूल पाए जाती हैं। देखो, द्विबीजपत्री होते हैं, वे भी आवृत बीजी होते हैं, तो इसमें पाई जाती है, लेकिन कुछ आवृत बीजियों में नहीं पाई जाती। अनावृत बीजी है, इनमें कुछ में क्या होते हैं, जे अनावृत बीजी है,
तो इनमें भी क्या होती है, किसी में मूसल अमूल पाई जाती है तो किसी में नहीं पाई जाती। एक बीज पत्री है, गेहूं चावल है, इनमें पाई जाती है, इसमें झकड़ा मूल पाई जाती है। तो जो द्विबीज पत्री है उन सभी में ज़्यादातर क्या पाई जाती है, मूसला मूल पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रोडोफाइसी का संचित उत्पाद है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ रोडोफाइसीज, तो रोडोफाइसी शैवालों में किस प्रकार का संचय होता है। तो जो ग्लाइकोजन क्या है, प्रोटीन है, और ये किस में पाई जाती है, जीवों में पाई जाती है। ग्लाइकोजन प्रोटीन क्या होती है, जीवों में पाई जाती है, ये जीवों में होती है, जीवों में। सेलुलोज क्या कोशिका भित्ति होती है, तो ये भी नहीं होगा। स्टार्च है, स्टार्च ये हरी शैवालों का होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये फ्लोरिडीन स्टार्च होगा, लाल शैवालों का संचित उत्पाद। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला है पामेला अवस्था पाई जाती है। तो पामेला अवस्था किस में पाई जाती है, क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है पामेला अवस्था। देखो पामेल स्टेज क्या होती है, जब विपरीत वातावरण होता है तब इनकी कोशिकाओं में विभाजन तो होता ही रहता है परंतु विलगित नहीं हो पाती है। अभी तो कोशिकाओं की दीवार मोटी हो जाती है और इनके अंदर कई कोशिकाएं भरी पड़ी रहती है। जब अनुकूल वातावरण आता है तभी अंकुरित होकर के नया शैवाल बनाती है। ऐसी दशा को पामेल अवस्था कहते हैं। तो पामेल स्टेज क्या होती है कि अनुकूल परिस्थिति यानी जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है तभी अपने चारों ओर एक मोटा आवरण बना लेती है। तो इस अवस्था को पामेल अवस्था कहते हैं। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं और तुरंत अंकुरित हो जाती है तो ऐसी स्थिति को ही पामेल अवस्था कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि पामेल अवस्था क्या होती है, ये क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में कोशिका विभाजन हो रहा है, कोशिका विभाजन हो रहा है लेकिन क्या अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिल पाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करता है, अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति का स्राव कर लेता है, ये मोटी भित्ति का आवरण बना लेता है और कोशिका विभाजन जारी रहता है लेकिन क्या है, कोशिका विभाजन जारी रहता है लेकिन ये मोटी भित्ति बनने के कारण ये अंदर अनेक सारे डॉटर सेल्स बन जाती है। ये अंदर जो डॉटर सेल्स है ये सब ये बन जाती है। तो ऐसी स्थिति को ही पामेल अवस्था कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, ये जो संरचना दिख रही 5वें नंबर की, ये पामेल स्टेज है, पामेला स्टेज। 5वें नंबर की जो संरचना है ही पामेल स्टेज है। हमने देखा कि पामेल अवस्था किस में पाई जाती है, क्लेमाइडोमोनास में, यानी कि हमने अभी देखा कि ये एक आवरण बना लेता है चारों ओर और इसके अंदर क्या करती है, डॉटर सेल्स बनती जाती है और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये क्या है, ये भित्ति यहाँ से फट जाती है, ये टूट जाती है इस तरह से और यहाँ से निकल जाते हैं और ये बाहर निकल जाते हैं यहाँ से और ये अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म देते हैं। अगला है एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल एंड पियर। तो सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या है, तो सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग है पुष्पासन, जिसको बोलते हैं थैलेमस, थैलेमस को ही पुष्पासन कहते हैं। अगला है कि
कि जैविक विविधताओं पर सम्मेलन हेतु प्रथम अर्थ समिट हुआ था, यानी कि बायोडायवर्सिटी के लिए फर्स्ट यानी पहला अर्थ समिट हुआ था। पृथ्वी पहला यानी प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये हुआ था रियो द जेनेरिया में, हुआ था ब्राज़ील में 1992 ईस्वी में हुआ था ब्राज़ील में। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मानव अपरा द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में निम्न में से क्या सही है। तो करेक्ट इन द रिलेटिव विथ हार्मोन रिलीज्ड बाई वुमन प्लेसेंटा से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो हम जानते हैं कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है, लेकिन एंड्रोजन ये किस में होता है, पुरुषों में पाया जाता है एंड्रोजन। तो एंड्रोजन ये नर हार्मोन है, तो ये नहीं हो सकता। प्लेसेंटल गोनोडोट्रोपिन तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। प्लेसेंटल गोनोडोट्रोफिन एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, तो एंड्रोजन तो हो ही नहीं सकता। तो एंड्रोजन ये तीनों जगह पर दे रखा है, ये यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, तो एंड्रोजन नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, यानी कि HCG वुमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन HPL यानी कि HPL और प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्ट्रोन तब तक रहता है जब तक कि ईग बॉडी में पाया जाता है, जब तक ईग बॉडी में पाया जाता है, चाहे 9 मंथ हो चाहे 2-3 दिन हो, तब तक ही प्रोजेस्टेरोन का स्तर रहता है। और एस्ट्रोजन का स्तर लेडीज में तब तक रहता है जब तक कि उसमें ईग बनाने की क्षमता होती है, यानी कि ईग बनाने की क्षमता होती है, तब तक वह एस्ट्रोजन पाया जाता है, यानी कि 13 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक। नेक्स्ट है, तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनः ध्रुवण की क्रिया किसमें होती है। तो एट द टाइम ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व्स इंपल्स द रीपोलराइजेशन ऑक्योर विथ द, तो रीपोलराइजेशन तो ये पाया जाता है पोटेशियम आयनों का बहिर्प्रवाह, यानी कि एक्स इफ्लक्स पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, इफ्लक्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनः ध्रुवण की क्रिया में होता है। तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली क्या होती है, ध्रुवित अवस्था में रहती है। ध्रुवित अवस्था में बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं ध्रुवित अवस्था। जैसे ही बाहर हलचल होती है यानी कि आवेग उत्पन्न होता है, आवेग के उत्पन्न होते ही सोडियम आयन डर के मारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सोडियम आयन डर के मारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो अंदर क्या हो जाता है, अब अंदर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बाहर नेगेटिव चार्ज, तो विपरीत स्थिति हो जाएगी। तो इसको कहते हैं बी ध्रुवण। यानी ये स्थिति तो क्या थी, यहाँ पहले पॉजिटिव था और यह नेगेटिव था, तो ये ध्रुवित स्थिति। और ये सोडियम आयन के अंदर प्रवेश करते क्या होता है, विध्रुवित स्थिति आ जाती है, यानी कि प्लस माइनस। अब ये कहता है कि पुनः प्लस बाहर होना चाहिए और सोडियम अंदर, माइनस चार्ज अंदर आना चाहिए।
तो पुनः ध्रुवण के लिए क्या होता है? जैसे ही सोडियम आयन अंदर प्रवेश करते हैं, भारी मात्रा में अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद ही पोटेशियम आयन अंदर क्या मौजूद थे? पोटेशियम आयन इसके तुरंत बाद ही बाहर की तरफ निकल जाते हैं, और बाहर की तरफ जाने से क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? पुनः ध्रुवण कहेंगे इसको, पुनः ध्रुवण। तो हमने देखा कि जो ध्रुवण की स्थिति में केवल सोडियम आयन अंदर आए थे, है ना, और जो पुनः ध्रुवण की स्थिति थी, पुनः ध्रुवित अवस्था की स्थिति में सोडियम आयन बाहर नहीं गए हैं, सिर्फ क्या गए हैं? पोटेशियम आयन ही बाहर की तरफ गए हैं। पोटेशियम आयन, ये पोटेशियम आयन है, यही क्या है? बाहर की तरफ गए हैं ये पोटेशियम आयन। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शनों में, पहले में दे रखा है कि पोटेशियम आयनों का अंतर प्रवाह, तो ये भी गलत है पहला भी। दूसरा, सोडियम आयनों का बहिर्प्रवाह, तो सोडियम आयन क्या कहते हैं? बाहर गए ही नहीं। फिर पोटेशियम आयनों का बहिर्प्रवाह, तो पोटेशियम आयन बाहर गए थे, ये बात सही है, ऑप्शन सी। और ये कहता है कि सोडियम एवं पोटेशियम आयनों का बहिर्प्रवाह, तो ये पोटेशियम का गलत है, सोडियम का सही है, लेकिन सही दे रखा ऑप्शन सी। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मानव मस्तिष्क के लिए कथन का चयन करना है, और वो भी कौन से कथन का? सही नहीं है, यानी कि जो गलत कथन है उसका चयन करना है। तो ऑप्शन पहला देखते हैं कि मिड ब्रेन हैज़ टू ऑप्टिक लोब, यानी कि मध्य मस्तिष्क में दो द्रक्पालियाँ होती हैं, तो ये गलत है। दो द्रक्पालियाँ नहीं होती, कितनी होती हैं? चार द्रक्पालियाँ होती है, चार ऑप्टिक लोब होते हैं, OPTIC, ऑप्टिक लोब। तो चार ऑप्टिक लोब होते हैं, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ गलत दे रखा है। चार ऑप्टिक लोब होते हैं, चार द्रक्पालियाँ होती है, और क्या क्या होते हैं वो देखते हैं हम। कार्पस कैलोसम दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है, यानी कि कार्पस कैलोसम कनेक्ट टू सेरिब्रल हेमिस्फियर्स, यानी टू सेरिब्रल हेमिस्फियर को जोड़ता है, दो अर्ध गोलार्धों को जोड़ता है। हाइपोथैलेमस में भूख के केंद्र होते हैं, तो हाइपोथैलेमस में ही भूख का केंद्र होता है, अग्र मस्तिष्क का विभाग होता है, ये भी सही है। और मेडुला ओब्लोंगेटा कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो ये डी सी और ए सही है, वो सॉरी डी सी बी सही है और ए गलत है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकृत कर्ण के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो डिस्क्रिमिनेशन इन द साउंड ऑफ वायरिंग इंटेंसिटीज इन इज डन बाय विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर? तो विभिन्न तीव्रताओं की ध्वनियों को कान के आधारीय झिल्ली यानी कि बैसिलर मेम्ब्रेन द्वारा ही पहचाना जाता है, विभेदित किया जाता है। नेक्स्ट है, रेखित पेशी के लिए जब वह संकुचित होती है तो निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं, देखो सार्कोमियर है, ये सार्कोमियर है, ठीक है। सार्कोमियर के अंदर दो प्रकार के तंतु होते हैं, एक्टिन तंतु और मायोसिन तंतु। तो हम आपको बताते हैं, ये हो जाएंगे हमारे मायोसिन फिलामेंट,
ठीक है। तो मायोसिन तंतु क्या मोटे होते हैं और एक्टिन तंतु क्या होते हैं? एक्टिन तंतु पतले तंतु होते हैं, ये मान लो पतले तंतु, ठीक है। तो पतले तंतुओं को एक्टिन तंतु बोलते हैं और मोटे तंतुओं को मायोसिन तंतु कहते हैं। अब जो मोटे तंतु है इसकी लंबाई को हम प्रदर्शित करते हैं, मोटे तंतु की लंबाई को ए से प्रेजेंट करते हैं और पतले तंतु यानी एक्टिन तंतु की लंबाई को अज्ञात यानी किसी से प्रदर्शित नहीं करते। पहला तो ये, दूसरा ये कि दो एक्टिन तंतुओं, दो एक्टिन तंतुओं तो हमने देखा कि जो मायोसिन तंतु है इसकी लंबाई को तो हमने किससे प्रदर्शित कर दिया, ए से प्रदर्शित कर दिया, लेकिन जो एक्टिन तंतु है इसकी लंबाई को हमने आज तक कभी प्रेजेंट ही नहीं किया कि किससे प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए, दो एक्टिन तंतु हैं, दो एक्टिन तंतुओं के जो बीच की दूरी होती है इसको हम एच से प्रदर्शित करते हैं, एच। दो एक्टिन तंतुओं के बीच की दूरी को एच से प्रदर्शित करते हैं, इसको एच बैंड कहते हैं। और दो मायोसिन तंतु हैं, देखो इसको हम दो मायोसिन तंतु है, ठीक है। तो दो मायोसिन तंतु हैं, इसके बीच के स्थान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं, इस आई। तो हमने देखा कि एक्टिन तंतु के बीच का स्थान को एच से प्रदर्शित किया और मायोसिन तंतु के बीच के स्थान को आई से प्रदर्शित किया। तो यही दो जो बैंड है यही यानी जो सारकोमीर पेशी संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि पूरी सारकोमीर में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एच और आई। एच और आई इन्हीं का ही आकार कम होता है क्योंकि एक्टिन तंतु, दो एक्टिन तंतुओं के मध्य की दूरी और दो मायोसिन तंतुओं के मध्य की दूरी है और ये दूरियाँ ही कम होती है, ठीक है। तो दो का ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बाकी का महत्वपूर्ण रोल नहीं होता। तो क्वेश्चन में आता है तो एच और आई की लंबाई ही कम होती है और किसी की नहीं होती। अब इसके अलावा हम और भी देखना चाहें तो देख सकते हैं कि जब दो एक्टिन तंतु जिस स्थान पर मिलते हैं उसको एम लाइन बोलते हैं, एक्टिन तंतु जिस स्थान पर मिलते हैं उसको हम एम लाइन कहेंगे, यहीं पे आकर मिलेंगे तो उसको एम लाइन कहेंगे। और जो मायोसिन तंतु जिस स्थान पर आकर के मिलते हैं उसको हम यहाँ पे आकर मिलेंगे तो उसको जेड लाइन बोलेंगे, जेड पट्टी। तो जेड पट्टी पे तो मायोसिन तंतु मिल जाएंगे और एम लाइन पर एक्टिन तंतु मिल जाएंगी। तो लेकिन ध्यान ही रखना है जो सारकोमियर संकुचित होता है उसमें एच और आई का ही, ये एच और आई ये ही संकुचित होते हैं, दो ही चीज़ें जिनका संकुचन होता है, बाकी और कुछ नहीं बनता यहाँ से क्वेश्चन। तो हम देख लेते हैं कि अब इसमें कौन कौन सा परिवर्तन हो, एच और आई यानी कि हाई बोल दो इसको, हाई ही छोटा होता है, हाई छोटा होता है। अब देखते हैं हम कि आई पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमने कहा कि हाई एच आई, तो हाई है यही क्या होता है, छोटा होता है, हाई ही सबसे छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। तो हमको देख रखा आई, तो आई है, आई की पट्टी में कोई परिवर्तन नहीं, तो पट्टी में परिवर्तन होगा भैया यही गलत है। और मायोसिन की पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो जो मायोसिन की पट्टी की लंबाई, तो पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। तो मायोसिन पट्टी की लंबाई को तो हमने किससे प्रदर्शित किया था, ए से प्रदर्शित किया था, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होता आई में।
ए पट्टी की लंबाई बनी रहती है, तो ए पट्टी की लंबाई क्या है, जो मायोसिन की लंबाई है वो ए पट्टी की लंबाई है, ठीक है, और सार्कोमियर छोटा हो जाता है, तो सार्कोमियर तो छोटा होगा ही जब संकुचन हो रहा, तो ये भी सही, ये भी सही, तो पहला ही गलत है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, तो हाई का ध्यान रखना इसमें। अगला क्वेश्चन है, इनका हमें मिलान करना है, तो संघों के नामयुक्त सूची को इससे मिलाना है, तो यहाँ हमें क्या है, मिलान करना है इसका, तो ये संघ दे रखे हैं और इन संघों में कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं, इनका मिलान करना है। तो यहाँ देखते हैं, पोरीफेरस संघ, पोरीफेरस संघ के प्राणियों में क्या पाई जाती है, की पाणु पाई जाती है, यानी कोएनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, तो पहले का दूसरे से हो जाएगा प्लेटी हेलमिंथीज संघ के प्राणियों में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, और निमेटो हेलमिंथीज संघ के प्राणियों में फॉस्मिड्स पाए जाते हैं, और कॉर्डेटा संघ के प्राणियों में गुदा पश्चपूंछ पाई जाती है। तो यहाँ हमने देखा कि जो दंश कोशिकाएँ हैं वो सीलेंट्रेटा और निडेरियम पाई जाती हैं, और मेलपीगन नलिकाएँ हैं वो कीट वर्ग यानी आर्थ्रोपोडा संघ के कीट वर्ग में पाई जाती हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता, तो प्रोटीन का पाचन नहीं करता, देखो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, ये भी सही है, काइमोट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन है ये भी प्रोटीन का पाचन करता है, तो यहाँ पर जो लाइपेज है ये बसा का पाचन करता है, इस इज बसा, बसा का पाचन करता है, तो लाइपेज इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ हमें मिलान करना है, मिलान क्या सही सॉरी सुमिलित नहीं है, एन नॉट, यानी जो गलत की हमें पहचान करनी है, तो स्प्लीन बिलरोथ रज्जू, तो स्प्लीन किससे संबंधित है, बिलरोथ रज्जू से संबंधित है, सिरा आलिंद गांठ यानी कि साइनो आर्टेरियल नोड को हम हृदय का गति निर्धारक कहते हैं, यानी पेसमेकर कहते हैं, तो ये भी सही है, और बिलरोथ रज्जु ये पिलिया में होता है, ये भी सही है, त्रिवलिनी कपाट को ट्राइकैप्सिड बोलते हैं, और ये दाएं आलिंद में पाया जाता है, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में पाया जाता है, इसको बोलते हैं ट्राइकैप्सिड, और मिट्रल कपाट दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में पाया जाता है, मिट्रल कपाट को द्विवलनी कपाट कहते हैं, यानी द्विवलनी कपाट कहते हैं, मिट्रल कपाट को द्विवलनी कपाट कहते हैं, और थेवेसियन कपाट मानव हृदय के दाएं आलिंद में होता है, तो इसमें गलत क्या हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, तो थेवेसियन कपाट मानव हृदय के दाएं आलिंद में होता है, और दाएं आलिंद में ही क्या होता है, दाएं आलिंद में ट्राइकैप्सिड पाया जाता है, और बाएं आलिंद और बाएं निलय में द्विवलनी कपाट जिसको मिट्रल कपाट कहते हैं, मानव के हृदय में चार ही वाल होते हैं,
एक तो ट्राइकैप्सिड और एक मिट्टल का पार्ट और दो सेमिनी ल्यूनर यानी त्रि अर्धचंद्राकार कपाट, और यहाँ पर एक थेवेशियन कपाट भी बता रखा है जो दाएं आलिंद में होता है। अब हम आगे चलते हैं। प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता होती है? तो प्राणी कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है शरीर में, तो जो प्रोटीन का निर्माण करने वाली प्रोटीन का निर्माण करने वाले को क्या कहते हैं हम? राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो राइबोसोमल की ही कोशिका में प्रचुरता होगी, आरआरएनए बोलते हैं जिसको, राइबोसोमल आरएनए। अगला है कि यहाँ हमें दे रखा है कि मेंडल के प्रयोग में द्विसंकर लक्षण प्रारूप का अनुपात था, तो हमें फिनोटाइप बताना है इस फिनोटाइप द्विसंकर संकरण का। तो एकल संकर संकरण का नहीं बताना, द्विसंकर संकरण का बताना है। तो एकल संकर संकरण का अगर फिनोटाइप देखे तो 3:1 आता है एकल संकर संकरण का। द्विसंकर संकरण का है 9:3:1, 9:3:1 आता है। यह दो लक्षणों को लेकर के कराया जाता है द्विसंकर संकरण। तो यहाँ देखेंगे हम समय 9:3:3:1 दे रखा है, तो कौन कौन से दो लक्षणों को लेकर कराया गया है वो देखना होता है। तो ये जो संकरण है दो लक्षणों को लेकर कराया गया है। दो लक्षण कौन कौन से हैं? एक तो आकृति और दूसरा है रंग। तो रंग और आकृति को लेकर के कराया गया है। तो आकार में इसका गोल आकार प्रभावी है और हरा रंग प्रभावी है। तो गोल और हरा, सॉरी इसमें हरा रंग प्रभावी नहीं है, इसमें जो गोल और पीला, तो जो पीला है वो क्या है? प्रभावी है, और गोल है वो प्रभावी, ये दोनों प्रभावी है। तो इसका और जो अप्रभावी कौन कौन से हो जाएंगे? हरा और झुर्रीदार। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यानी नौ अनुपात में गोल और पीले आ जाएंगे, 3:1 में गोल हरे, फिर 3:1 में पीले और झुर्रीदार आ जाएंगे, और 1:1 में आएंगे झुर्रीदार और हरे आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि यहाँ दे रखा है हमें कि नीचे दिए गए सिंड्रोम को स्तंभ से मिलाना है, कैरियोटाइप से मेल करते हुए तो यहाँ हमें स्तंभ दे रखे हैं और इन स्तंभों को हमें मिलाना है, और मिलाने के बाद में हमें क्या करना है कि जो सही नहीं है उसका चयन करना है, यानी गलत को मिलाना है, जो नहीं है उसको हमें बताना है। तो एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र की त्रिगुणिता के कारण होता है, तो ये भी सही है। पटाव सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की त्रिगुणिता के कारण होता है, ये भी सही है। टर्नर सिंड्रोम में टर का मतलब होता है नर, यानी जो नर गुणसूत्र का टर हो जाता है, यानी कि एक जो नरगुण सूत्र है वो हट जाता है, यानी कि एक्स जीरो हो जाता है, तो इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। और ट्राइसोमी का मतलब होता है 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी का मतलब होता है डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा ये? डाउन सिंड्रोम सिंड्रोम। तो जो डाउन सिंड्रोम है ये 21वें गुणसूत्र की त्रिगुणिता का कारण होता है,
और टर्नर सिंड्रोम में एक लिंगगुण सूत्र कम होता है यानी कि नर गुण सूत्र कम होता है। और क्लाइनफेंटर सिंड्रोम है, इसमें एक एक गुणसूत्र अधिक होता है तो उसको क्लाइनफेंटर सिंड्रोम कहते हैं। तो यहाँ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही इसका गलत मिला रखा है। आगे देखते हैं कि यहाँ हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा समूह समतापी प्राणियों का है। तो समतापी प्राणी का मतलब होता है कि वे प्राणी जिनके शरीर का तापमान हमेशा एक सा बना रहता है उनको समतापी कहते हैं। तो यहाँ भेल, कबूतर और चमगादड़। तो भेल क्या है कि स्तनधारी है, और स्तनधारी का तो शरीर का ताप हमेशा समान रहेगा। और चमगादड़, कबूतर ये क्या है, चमगादड़ भी स्तनधारी कबूतर पक्षी है, ये भी समतापी है। अतः इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एलिगेटर है, तो एलिगेटर क्या है, एक सरीसृप है। इधर भी क्रोकोडाइल है, ये भी सरीसृप है, एलिगेटर भी सरीसृप है। और यहाँ हिप्पोकैम्पस है, ये भी क्या है एक, तो हिप्पोकैम्पस एलिगेटर ये क्या है, शीतरुधिरीय प्राणी है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं हम कि यहाँ पे है कि एंड्रोजन आर सीक्रेटेड बाई, तो एंड्रोजन हार्मोन का स्राव कौन करता है। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले कि जो एंड्रोजन हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन हैं उन सब हार्मोनों को एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं। और एंड्रोजन हार्मोन एक नर हार्मोन है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और टेस्टोस्टेरोन का स्राव अंतराली कोशिकाएं, यानी अंतराली कोशिकाओं को लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। तो ये तो देखो जनन नलिकाएं हैं, ठीक है, इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और इनके बीच में ये जो सेल्स पाई जाती है, इन सेल्स को क्या बोलते हैं, लीडिंग कोशिकाएं बोलते हैं, लीडिंग या अंतराली, लीडिंग या अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। और अगली, और फिर जो अगली है वो हम बताते हैं कि जो ये शुक्र जनन नलिकाएं होती है यहाँ पर कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं सर्टोली कोशिकाएं। ये कौन सी होती है, सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं और शुक्र जनन में सहायक होती है। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, शुक्र जनन में सहायक होती है। तो जो लीडिंग कोशिकाएं हैं इन्हीं को अंतराली कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये अगला है, मनुष्य में जीवाणुवी रोग है, यानी जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग का नाम बताना है मनुष्य में। तो यहाँ देखते हैं टाइफाइड, ये साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा होता है, प्लेग है ये भी जीवाणु द्वारा होता है, और मलेरिया ये प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, तो ये नहीं होगा। टाइफाइड है, प्लेग है और टाइफस, और हम देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंजा है ये वायरस द्वारा, तो मलेरिया तो किससे होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। और जो इन्फ्लुएंजा है ये किस होता है, वायरस से होता है, वायरस। तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है और मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, तो ये फिर यहाँ पर मलेरिया दे रखा है,
तो इसके बाद में जो टाइफाइड प्लेग और टाइफस, टाइफाइड प्लेग और टाइफस ये दोनों, तो तीनों क्या है, जीवाणु जनित रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि संजात अंगों के सही सेट का चयन करना है, यानी कि हमें सेलेक्ट द करेक्ट सेट्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, हमें होमोलोगस का चयन करना है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स क्या है? तो मानव के अग्रपाद और पक्षी के पंख तथा व्हेल के मीन पंख। तो संजात अंग वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति समान होती है और कार्य अलग अलग होते हैं। तो मानव का अग्रपाद यानी कि फोर लिंब ऑफ मैन, विंग ऑफ बर्ड्स, व्हेल ऑफ मीन पंख। तो इनकी संरचना देखी जाए तो आंतरिक जो स्ट्रक्चर होती है यानी कि जो हड्डी संरचना होती है वो समान होती है। तो यही इसका सही सेट की बात कर रहा है, तो सही सेट यही है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी में कोई ना कोई कमियां दे रखी होंगी, उनको आप पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पे क्या है, दूसरे ऑप्शन में कीट दे दिया, ये गलत है। तो यहाँ देखो सी में क्या, घोड़े के पश्चपाद दे दिया। देखो क्या आने चाहिए, घोड़े के अग्रपाद आने चाहिए। मानव के अग्रपाद घोड़े की पूंछ कर दी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे गलत है इस तरह से। तो ऑप्शन तो हमारा क्या करेक्ट ए ही था। अगला देखते हैं कि संघ एनेलिडा में मोलस्क का, यानी एनेलिडा और मोनस, एनेलिडा और मोनस मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है। तो लिंक बतानी है, कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक ऑफ बिटवीन फाइलम एनेलिडा एंड मोलस्का। तो यहाँ जो एनेलिडा और मोलस्का के बीच की जो योजक कड़ी है वो नियोप्लाइना है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नियोप्लाइना में एनेलिडा और मोलस्का दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अगला है कि मूंगा सिल्क इज ऑब्टेंड फ्रॉम विच इंसेक्ट, यानी कि मूंगा सिल्क कौन से इंसेक्ट से प्राप्त किया जाता है ऑब्टेन। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा एंथेरिया असामा, एंथेरिया असामा से प्राप्त किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो रेशम है वो रेशम पांच प्रकार के प्राप्त होते हैं, पांच प्रकार के रेशम प्राप्त किए जाते हैं औद्योगिक स्तर पर। शहतूत से प्राप्त किया जाता है, गैर शहतूत से प्राप्त किया जाता है, अरंडे से प्राप्त किया जाता है, मूंगे से प्राप्त किया जाता है, ओक तसर से प्राप्त किया जाता है, और तसर यानी कोसा रेशम से प्राप्त किया जाता है। तो शहतूत के रेशम कीट को बोलते हैं बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई शहतूत का रेशम कीट या सिल्क प्राप्त होता है। फिर इसके बाद में ये ओक के भी है, ओक के एंथिर एंथेरिया फ्रीति है, और हमको जो मूंगा सिल्क है, मूंगा सिल्क रेशम कीट, ये एंथेरिया असामा, एंथेरिया असामा से प्राप्त किया जाता है। मूंगा सिल्क किससे प्राप्त किया जाता है, एंथेरिया असामा से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो मूंगा सिल्क का नाम है एंथेरिया असामा है, रेशम कीट का नाम है बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई ये रेशम कीट है, और फिलोसामिया रिशिनी ये तुम देख लेना बैक करके वीडियो को, एंथेरिया पैफिया ये बैक करके देख लेना, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो साथ ही उसी के साथ में हमारे ये साइंस के क्वेश्चन पूरे होते हैं।
और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।